वालेकुम, मैं फहमिदा, अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे आलू के पराठे, जिसके लिए हमने ये आटा गूंद लिया है। नमक, हल्का नमक मिर्च डाल के आप भी स्वाद अनुसार गूंद लें। ये हमने आलू उबाल लिए हैं, इनको हम तोड़ के इनमें मसाला मिला लेंगे। इसके लिए हमने कि बड़ा प्याज काट लिया है बारीक करके, और ये धनिया काट लिया है, ये बारीक बारीक मिर्च है चार, और ये थोड़ा सा अदरक है, और एक चम्मच नमक है, थोड़ी सी अजवाइन है। देखिए हम इन्हें अच्छे से फोड़ लेंगे और इनमें मसाला मिला देंगे। ये प्याज से प्याज डाल रहे हैं, ये धनिया डाल रहे हैं, ये मिर्च डाल रहे हैं, ये अदरक है, ये नमक और अजवाइन। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बारीक बारीक फोड़ लेंगे। देखिए हमारे आलू अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, और हम अब इनके पराठे बनाएंगे। ये देखिए हमने आटे के पेटे बना लिए हैं, अब हम इनके पराठे बनाएंगे। ये देखिए हमने पहले सूखा आटा लगा लिया है, अब हम इसको एक साइड हटा देंगे। अब इसे ऐसे करेंगे, इसे थोड़ा सा बेल लेंगे। ये हमारा पराठा बेल चुका है, अब हम इसमें खूब अच्छे से आलू भर देंगे। अब हम इसको ऐसे कर लेंगे। अब फिर हम इस पे सूखा आटा लगाएंगे। अब इसको फिर हम ऐसे करेंगे। अब हम इसको फिर से बेल देंगे। हमारा पराठा तैयार है। जितना बड़ा आप बड़ा छोटा बनाना चाहें आप बना लें अपनी मर्जी से। अब हम इसे तवे पर डाल देंगे। हमारा पराठा बन चुका है, हम तवे पर डाल दिए हैं, ऐसे ही बना लेंगे। अब हमने इसे पलट दिया है, अब हम इसमें तेल लगा लेंगे। अब हम इसे दूसरी तरफ से पलटेंगे, इधर से तेल लगा देंगे। अब हम इसे पलट 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 के सेक दें, हम दोनों साइड से तेल लगा दिए हैं। देखिए हमारा पराठा सिक चुका है, आप और भी सभी इसी तरह से बनाएं। हमारा पराठा सिक चुका है, अब हम इसे उतार देंगे। देखिए दूसरा भी हमने इसी तरह तैयार कर लिया है, अब हम इसे भी इसी तरह सेकेंगे। अब हम तीसरा तैयार कर रहे हैं, लगा देंगे। देखिए हमारे दो से कैसे भी सीख रहा है, एक साइड से सीख गया है। हमारे गर्मा गर्म देखिए हमारे गर्मा गर्म पराठे तैयार है आलू के। आप भी बनाएं और हमें बताएं दो में याद रखें।